हेलो एवरीवन, आज हम एमई सब्जेक्ट कोड 303 जिसका नाम है थर्मल इंजीनियरिंग एंड हीट ट्रांसफ़र का फर्स्ट चैप्टर स्टीम नोजल पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम तरलों के बारे में समझते हैं। ऊष्मा गतिकी में तरलों का बड़ा महत्व है। अनेकों प्रकार के तरल पदार्थ उपयोग में लाए जाते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि तरल वे पदार्थ होते हैं जिन पर कर्तन बल लगाने से उनकी आकृति में परिवर्तन होता है। ये दो प्रकार से होते हैं, एक तो इनकम्प्रेसिबल और कंप्रेसिबल। यदि दाब, तापमान, वेग आदि के गुणधर्मों में परिवर्तन के कारण आयतन या घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है तो ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूड कहलाते हैं। इसमें सभी प्रकार के द्रव आते हैं, लिक्विड्स। लेकिन यदि ये शर्तें जो हैं वो लागू नहीं हों तो वह तरल कंप्रेसिबल फ्लूड की श्रेणी में आता है। स्टीम भी इसी प्रकार का एक तरल है। जब भाप का प्रवाह किसी उपकरण से होता है तो उसके तापमान, दाब आदि में परिवर्तन होता है। भाप टरबाइन के लिए एक उपकरण काम में लिया जाता है जिसका उपयोग भाप को उच्च गति प्रदान करने के लिए होता है। इसे हम नोजल कहते हैं। तो भाप नोजल बदलते हुए क्रॉस सेक्शन वाला एक पथ होता है जो भाप को उच्च दाब ऊर्जा को भाप की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि उसकी एंथैल्पी में कमी के कारण होती है। स्टीम नोजल के कई अलग यूजेस हैं, जैसे कि भाप टरबाइन के लिए उच्च वेग का भाप प्रधार बनाने के लिए, स्टीम इंजेक्टर्स के द्वारा बॉयलर में जल भरने के लिए, भाप प्रवाह मापन युक्तियों में, या फिर भाप प्रदार्थ प्रशीतन हेतु। हम नोजल के कई प्रकार होते हैं, तीन प्रकार दिए गए हैं। जैसे कि पहला जो है वो कन्वर्जिंग नोजल है ना। यदि नोजल का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल प्रवेश से निकास तक लगातार कम होता जाता है तो उसे कन्वर्जन नोजल कहते हैं। यदि नोजल का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल प्रवेश से निकास तक लगातार बढ़ता जाता है तो उसे डाइवर्जन नोजल कहते हैं। यदि नोजल का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पहले से कम होता है तथा बाद में बढ़ता हो तो उसे कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल कहते हैं। नोजल की लंबाई में जिस स्थान पर न्यूनतम क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उसे हम कंठ या थ्रोट कहते हैं। दाब की लंबे प्रयास तक द्रवों का विशिष्ट आयतन स्थिर रहता है, अतः द्रवों के लिए सदैव कन्वर्जन नोजल का ही उपयोग किया जाता है, जैसे कि अग्निशमन उपकरणों में, जबकि गैस व वाष्प के लिए कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल का उपयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ फ्लो ऑफ स्टीम थ्रू कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल। स्टीम के लिए क्यों कन्वर्जन डाइवर्जन टाइप का नोजल ही काम में ले जाता है ये हम अभी समझेंगे। तो किसी भी नोजल से भाप के प्रवाह का विश्लेषण करने से पूर्व कुछ एजम्पशंस लिए जाते हैं, जैसे कि ऊष्मागतिक तथा यांत्रिक गुण केवल प्रवाह की दिशा में ही परिवर्तन होते हैं, प्रवाह पूरी तरह से स्थायी है अर्थात निकास पर वेग समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, नोजल के क्रॉस सेक्शन एरिया में परिवर्तन अचानक से नहीं होता है, प्रवाह पूरी तरह से आइसेंट्रोपिक है मतलब कि घर्षण रहित है, भाप के पूरे प्रवाह में भाप जो है वो एक आइडल फ्लूड की तरह फ्लो करती है। तो उपरोक्त सभी एजम्पशंस को लेते हुए हम कंटिन्यूटी इक्वेशन देखते हैं तरल की। एम बराबर रो ए सी, जहाँ पर एम जो है वो द्रव्यमान है, द्रव्यमान प्रवाह दर है, रो है घनत्व, ए है प्रभाव क्षेत्रफल और सी है तरल का वेग। तो ऊष्मा गति की में समस्त उपयोगों में द्रव्यमान प्रवाह दर जो स्थिर रहती है तो हम लिख सकते हैं एम बराबर कॉन्स्टेंट। अतः समीकरण में को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, रो ए सी बराबर कॉन्स्टेंट। अगर हम इसे लॉग के फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, लॉग रो प्लस लॉग ए प्लस लॉग सी बराबर लॉग कांस्टेंट। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं इस इक्वेशन का तो जो इक्वेशन हमें मिलेगी वो होगी डी रो अपॉन रो प्लस डी ए अपॉन ए प्लस डी सी अपॉन सी बराबर ज़ीरो। अब हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूड्स की बात करते हैं। जो जितने भी द्रव होते हैं हम जानते हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी में अगर चेंज हो रहा है टेम्परेचर प्रेशर में तो उसके घनत्व पे कोई असर नहीं पड़ता है,
मतलब डी रो बराबर ज़ीरो। तो ये कंपोनेंट है हमने ऊपर वाली समीकरण में, इसको हटा देंगे वो ज़ीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या समीकरण द्रवों के लिए, डी ए अपॉन ए बराबर माइनस डी सी अपॉन सी। तो इस समीकरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रवाह क्षेत्रफल में कमी करने से कन्वर्जन नोजल से जितने भी इनकम्प्रेसिबल फ्लूड्स हैं उनके वेग में वृद्धि होती है। लेकिन अगर हम कंप्रेसिबल फ्लूड्स की बात करते हैं तो ये जो इक्वेशन है वो क्या रह जाएगी, डी ए अपॉन ए बराबर डी सी अपॉन माइनस डी सी अपॉन सी माइनस डी पी अपॉन रो, डी रो अपॉन रो। यहाँ पर घनत्व में परिवर्तन दाब पर निर्भर करता है, अर्थात दाब अधिक होने पर घनत्व में वृद्धि होती है। इस प्रकार से यदि क्षेत्रफल में कमी आती है तो वेग में वृद्धि होती है व दाब में कमी के कारण से भी कमी आती है। अतः डी सी अपॉन सी प्लस डी रो अपॉन रो का संपूर्ण प्रभाव जो है वो धनात्मक होगा या फिर ऋणात्मक, यह दोनों के परिवर्तन के लक्षणों पर निर्भर करता है ना। प्रयोगों से देखा गया है कि निश्चित दूरी तक दाब में कमी के कारण डी सी अपॉन सी का मान जो है वो डी रो अपॉन रो से अधिक हो जाता है, अतः परिणाम वेग में वृद्धि होती है। परंतु दाब में अधिक गिरावट के कारण घनत्व में कमी की दर अधिक हो जाती है, अतः वेग में वृद्धि जो है वो को बनाए रखने के लिए नोजल का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसमें कमी के स्थान पर फिर से हमें वृद्धि करनी पड़ती है। अर्थात नोजल का जो प्रारंभिक भाग है जो कन्वर्जन पोर्शन है वह शेष डाइवर्जन पार्ट होता है, परंतु दाब में निरंतर कमी बनी रहती है। इसमें होने वाले वेग सी क्षेत्रफल ए व विशिष्ट आयतन वी का प्रभाव नोजल की लंबाई पर इस चित्र जो बनाया हुआ ग्राफ उसमें दर्शाया गया है। तो इसलिए जो स्टीम के केस में हमें नोजल की शेप पहले तो क्रॉस सेक्शन एरिया को हम कम करते हैं, उसके बाद में फिर धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है। अब हम बात करते हैं नोजल में स्टीम फ्लो किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से स्टीम बिहेव करती है। तो टरबाइन के लिए काम में आने वाले नोजलों में भाप उच्च दाब पर बहुत ही कम वेग से प्रवेश करती है। नोजल में भाप का उच्च दाब से निम्न दाब तक प्रसरण होता है। प्रसरण में ऊष्मा ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। गतिज ऊर्जा को बढ़ाने के लिए प्रसरण में कार्य होता है। तो नोजल से प्रवाहित होते समय भाप को न तो ऊष्मा दी जाती है और ना ही उससे उसमें से बाहर निकाली जाती है। इस प्रकार से नोजल में क्या होता है, भाप के प्रसरण को रुद्धोष्म प्रसरण कहते हैं तथा नोजल से भाप के प्रवाह को रुद्धोष्म प्रवाह कहते हैं।